हेलो, गुड इवनिंग आप सभी को। आई होप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज आइए आप सभी लोग। गुड इवनिंग सर जी एंड मैडम जी, मोस्ट वेलकम आप सभी का। चलिए, गुड इवनिंग। चलो ओके, चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आप लोगों को सीएचएसएल का फॉर्म थोड़ा ध्यान से भर देना, जिन्होंने ना भरा हो, है ना। और एमटीएस के लिए भी रेडी हो जाना, कि क्या पता तुम्हें एमटीएस आईएएस बना रहा हो, है ना। तो चलिए, अगर आप ऐप पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, विजयपथ के थ्रू ऐप पर, ठीक है, सीएचएसएल 60 कोड यूज करके। और चलो देखो क्या कहता है पहले क्वेश्चन से। कहता है वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का नौवा सीजन कौन जीत गया है, जरा बताओ इसमें से। आजकल हार जीत, मारना मराना, कटना गिर जाना, ना जाने क्या क्या चीज चल रही है। देखो इधर क्या बोलोगे, नौवा सीजन था भाई, कौन जीत गई, हरियाणा स्टीलर्स या फिर जयपुर पिंक पैंथर्स या फिर पटना पायरेट्स या फिर आपको लगता है पुनेरी पल्टन। तो इसमें से कौन जीता नौवा सीजन। देखो जी, नौवा सीजन पहली बात तो 7 अक्टूबर से चल रहा था, ठीक है, 7 अक्टूबर से लेकर 17 दिसंबर तक ये चल रहा था, ठीक है, काफी लंबा हो गया भाई, है ना, कितने दिन खिंच गया सोचो आप। अब इसमें जयपुर की टीम जीत जाती है ना। जयपुर पिंक पैंथर किसको हरा देते हैं, पुनेरी पल्टन को हरा देते हैं, है ना, पुनेरी पल्टन को हरा देते हैं। तो इन्होंने हरा दिया भाई, जयपुर सेकंड टाइम जीती है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सेकंड टाइम इसमें, ये चीज आप ध्यान रखना, है ना। ये इसमें जो है पहली बार भी जीत चुके थे, है ना, सबसे पहली बार ये जीते थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। जब सीजन स्टार्ट हुए थे तो जयपुर की टीम जीत जाती है, ये चीज ध्यान रखोगे। और फिर से अब जीत गई है, 7 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ, 17 दिसंबर तक ये चला और जयपुर पिंक पैंथर विनर हो गए, ठीक है, क्लियर है यहां तक सब बच्चों के पल्ले पड़ गए यहां तक, नौवा सीजन। चलो भाई, ऐसे ही अगर आपसे फीफा के बारे में पूछने लगे, क्या जी फीफा कौन जीता है अभी, तो फीफा आप बोलोगे फीफा जीती अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना 5 करोड़ का देश, धुआं काट गया, और हमारा देश 135 करोड़ पे भगवा कलर ढूंढ रहा है, पता है ना आपको, है ना, कैसी है यार, लोग बाग कहां ही जाएंगे मालूम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोलोगे आप, देखो इधर, हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे उसमें, शर्म आनी चाहिए हमारे देश को यार। जरा बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 दिसंबर या फिर 12 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर, क्या बोलेगा इसमें से, है ना। हाँ जी, फ्रांस हारा, अर्जेंटीना जीता। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताओ, 23 दिसंबर को मनाया जाता है या फिर 12 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर, है ना। फिर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, है ना, ये नहीं, वो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को छोड़ो अभी, वो तो तुम्हें पता ही होगा कि कब मनाया जाता है ना। आपसे पूछ सकता है अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक वाला, ठीक है, ये भी चीज आप ध्यान रखना, पेपर पे कई तरीके के आ सकते हैं दिवस। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, 18 दिसंबर को मनाया जाता है, कब, क्या चीज, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है, देखो दुनिया में लोग बाग इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कहीं युद्ध की वजह से, जैसे अभी यूक्रेन से लोग भागे थे वहां से निकल निकल के, है ना, तो वो क्या हुए थे, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, बट वो जहां भी जाएंगे, जिस भी देश में रहेंगे, वहां पे जीडीपी में योगदान देंगे ना। फिर न्यूट्रॉन, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, है ना। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कण बिना आवेश वाला कण लगता है, तो भाई कोई कण है जो बिना आवेश वाला है, ठीक है, चलो बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, कौन बताएगा एक राइट आंसर इसमें से। देखो बिना आवेश वाला कण, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब देखो अगर हम देखें भाई, अल्फा कण 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, यहां पर तो 2 न्यूट्रॉन हो गए, है ना, और 2 ध्यान रखोगे प्रोटॉन हो गए, है ना, 2 प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए भाई, ये तो है, क्लियर है भाई, कौन सा बिना आवेश वाला है, बट इस पर तो है 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, यहां पर मिलेंगे प्रोटॉन, अगर हम बात करें, हाँ है, प्लस का चार्ज तो इस पर भी होता है, ये जानते हो आप, इलेक्ट्रॉन इस पर भी है माइनस का, तो है ना, बट अगर आप देखोगे न्यूट्रॉन तो वहां तो कुछ भी नहीं है, है ना, ऐसे हम इसको दर्शाते हैं न्यूट्रॉन को, है ना, तो अल्फा कण याद रखोगे वो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन से घिरा हुआ है, और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, बट न्यूट्रॉन पर नहीं होता है,
तो आप इसको निकाल दोगे यहां से, बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट आ रहे हो, बोलता है निम्नलिखित में से किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता, जरा बताओ 5 टाइम आज तक वो जीत चुकी है, कौन सी टीम है इसमें से जो 5 टाइम जीत चुकी है। और आपसे पूछे आईपीएल में इस बार कितनी टीमें खेली थी, तो आईपीएल में इस बार 10 टीम खेली थी, याद रखना 10 टीम खेली, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। 10 टीम खेली है और 10 टीम में से 2 नई कौन कौन सी आई है, एक तो लखनऊ की टीम आई थी, ओके ये चीज आप ध्यान रखोगे, एक गुजरात की टीम आई थी, ठीक है गुजरात की, और जीती कौन, यही गुजरात वाली जीत गई जो पांड्या जी की थी, ओके ये चीज आप ध्यान रखोगे पांड्या की। और लखनऊ वाली अगर आपसे पूछा जाए ये किसकी थी, ये केएल राहुल की थी, केएल राहुल है ना। अच्छा 10 टीम तो इस बार पहली बार खेली है, पूछ सकता है आने सीएचएसएल वाले एग्जाम में कि इस बार कितनी टीमें खेली थी, क्योंकि पहली बार ही खेली थी, आपको पता है सबसे ज्यादा बार जो जीती हुई है वो मुंबई इंडियंस जीती हुई है, ठीक है ये 5 टाइम जीती हुई है, ये चीज आपने ध्यान रखना है, कितने टाइम्स 5 टाइम्स ये जीती हुई है मुंबई इंडियंस, क्लियर। अगर आपसे पूछे सबसे पहले कौन जीता था आईपीएल, सबसे पहला आईपीएल वो राजस्थान जीता था, ओके कौन जीता था राजस्थान सबसे पहला, ये चीज ध्यान रखना। और इस बार का कौन जीता, गुजरात की टीम जीती, क्लियर हो जाएगा यहां तक, आप लोग समझ गए। पूछे सबसे ज्यादा रन किसके है भाई आईपीएल में, अब तक टोटल सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के, ओके विराट कोहली हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा विकेट किसके हैं, सबसे ज्यादा विकेट तो आप बोलोगे ड्वेन ब्रावो के हैं, है ना ड्वेन ब्रावो के, ये चीज आप ध्यान रखोगे ड्वेन ब्रावो के सबसे ज्यादा विकेट, विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन है आईपीएल के अंदर, सेकंड पे आईपीएल में रन है शिखर धवन के, याद रखना ओके शिखर धवन हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आपसे ये कहेगा इस वाले आईपीएल में किसने बनाए थे सबसे ज्यादा रन, इस वाले में जोश बटलर ने बनाए थे, है ना जोश बटलर ने बनाए थे, ध्यान रखना, और उन्होंने 4 शतक भी लगाए थे, ठीक है जोश बटलर ने सबसे, ये ऑरेंज कैप लेकर गए थे, ऑरेंज कैप ध्यान रखना, ये स्टेनो का जो भी एग्जाम देकर आए थे बच्चे उन शिफ्ट में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और पर्पल कैप कौन लेके गया, जो सबसे ज्यादा विकेट लिए 27 विकेट किसने, चहल, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, 4 आती है चहल, ठीक है क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे, बोलता है तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा घराने से संबंधित है, जरा बताओ भाई किस घराने से संबंधित लगते हैं, तराना गायक है पंडित रतन मोहन शर्मा, ठीक है जी अभी किस घराने से है जरा बताओ, मेवाती आगरा इंदौर या फिर आपको लगता है ना, एक तो जयपुर अतरौली भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, एक घराना कौन सा है जयपुर अतरौली घराना भी होता है, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना क्लियर है इतनी चीज समझ गए। एक होता है ग्वालियर घराना, है ना ग्वालियर घराना, ये घराने हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे। चलिए भाई पहले ये बताओ कि तराना गायक पंडित रतन मोहन किससे हैं, बहुत अच्छा वेरी गुड, और कोई बच्चा बहुत बहुत बढ़िया, और दीजिए इसमें से कई सारे बच्चों का ठीक है बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया यहां पर बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है शाबाश, और कोई बच्चा बहुत बहुत बढ़िया, कई सारे बच्चों ने ठीक आंसर दिया यहाँ पे, सब बच्चे ठीक जो बोले मेवाती घराने वाले सब बच्चे ठीक है। देखो कभी ना आपसे ये कह सकता है, अगर आपने जैसे सुना हो बहुत सारे भजन कभी देखे हो, ठीक है जैसे आप YouTube पे भजन देखते हो ना, या फिर कोई बड़ा आपने सिंगर देखा हो जो भगवान के गाने बहुत ज्यादा गाता है या जिसके गाने बहुत ज्यादा बिकते हैं, वो ये है, ठीक है ये चीज आप ध्यान रखोगे, देश विदेशों में भी बिकते हैं, तो पंडित रतन मोहन शर्मा, ये चीज ध्यान रखोगे क्लियर हो जाता है, भजन बहुत ज्यादा गीत बहुत ज्यादा इनके, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, और मेवाती घराने से हो जाते हैं, ठीक है क्लियर हो जाएगा। ऐसे जयपुर अतरौली घराना, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ग्वालियर घराना, ये सब बहुत ज्यादा फेमस है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग यहां तक, है ना यहां तक आप ध्यान रख सकते हो। अल्लादिया खान थे ना ये जयपुर अतरौली घराना से, कौन थे, अल्लादिया खान, ये नाम आप ध्यान रखा करो अल्लादिया खान, ओके इनका नाम आप ध्यान रख लिया करो अल्लादिया खान का जयपुर अतरौली घराने से। वाजिद अली शाह बता सकते हो आप, है ना वाजिद
अली शाह है ना, वाजिद अली शाह, ये किस घराने से थे, है ना, किराना घराने से थे। ओके, और किराना घराना कहाँ था, अवध में, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, बहुत आता है ना वाजिद अली शाह, ये आखिरी नवाब भी बोले जाते हैं अवध साम्राज्य के। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, नेक्स्ट आ जाओ भाई। बोलता है कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है, यानी कि उसने बोला कि स्वेज कौन सा बंदरगाह है जो स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार से संबंधित है, काहिरा, पोर्ट सईद, या फिर रोटरडम, या फिर अलेक्जेंड्रिया, जरा बताओ स्वेज बंदरगाह। ठीक है, क्या लगता है कौन सा बंदर हो सकता है, कौन सा बंदरगाह है। ठीक है, चलिए एक राय एपी डिल्लोन, गाना क्यों गा रहे हो, इधर दो आंसर। ठीक है, कौन देगा इसमें से एक राइट आंसर, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, दीजिए इसमें से क्या लगाओगे। बहुत बहुत बढ़िया, दीजिए इसमें से ए वाला, टकला भाई, गर्दा तुमने धुआं तार दिया, ए वाला, बी वाला। ठीक है, चलिए बहुत बहुत, चलिए बहुत अच्छा, ए वाले, काहिरा, वारे नेचर, तुमने काहिरा कहां से उठा के लाए, तुम मिस्र से लाए भैया, गलत हो जाएगा। ओके, तुम मिस्र से उठा के लाए काहिरा को, है ना, और तुमने काहिरा को समुद्र के किनारे ठोक दिया। नहीं, ये तो अंदर इंटरनल एरिया में पड़ेगी मिस्र की राजधानी, ये चीज ध्यान रखोगे, है ना, उसको वहां मत ठोको, बिल्कुल समुद्र के किनारे पे मत लेके जाओ। इसमें से कौन सा होएगा, पोर्ट सईद इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, स्वेज नहर के उत्तरी किनारे पर। कैसे, मैप देखते हैं। देखो पहले क्या होता था भाई, अंग्रेजों को हमारे यहां से ऐसे माल लेकर जाना पड़ता था यूं घूम के अपने यहाँ, है ना। अब इन्होंने एक तरीका निकाला कि यार यहां तक तो पानी है, यहां तक भी है, क्यों ना इस जगह को खोद लिया जाए, तो हम डायरेक्टली यूं होके यूं ना निकल जाएंगे। तो ठीक है, अब पहुंच गए, खोदते हैं। ये यहाँ पे है रेड सी, लाल सागर। ओके, लाल सागर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। उसके बाद कौन सा है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। इन दोनों को जोड़ना था, इन दोनों को कनेक्ट करना था, तो बीच में यहां से जमीन खोद दी, है ना, ऊपर पोर्ट सईद। यही तो उसने पूछा कि उत्तर में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, तो नॉर्थ में कौन सा है, यहाँ पर पोर्ट सईद है, और यहाँ पर स्वेज बंदरगाह है, ये दक्षिण में, राइट। दक्षिण में कौन है, स्वेज बंदरगाह, स्वेज बंदरगाह, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर है, समझ गए ना आप लोग। ये जो पूरी कैनल थी 1853 में खुदनी स्टार्ट होती है, मतलब काम शुरू हो गया था इसको खोदने का, लेकिन आप जब कई सारी चीज देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि 1859 में खुदना स्टार्ट हुआ, बट 1853 में ही हो चुका था। ठीक है, और 1869 तक ये पूरी खोद ली गई। इसकी जो लेंथ है वो 193.5 किलोमीटर लंबाई है, 22 मीटर इसमें डेप्थ मिलेगी, गहराई मिलेगी। ठीक है, और इसमें आज शिप आते जाते हैं दबा के, सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग बोला जाता है अब इसको। ठीक है, अच्छा बीच में ना, बीच में इसमें कई सारी झील भी पड़ती है, यहाँ पर ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर करके झील है, ध्यान, एसएससी सीएचएसएल पूछ चुका है ये बात। ठीक है, ग्रेट बिटर ध्यान रखोगे, प्लस लिटिल बिटर, है ना, लिटिल बिटर, ये झील पड़ती है यहाँ पर, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, बीच में झील है यहाँ पे। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। अब असल में ये देश कौन सा है, देश है यहाँ पर ध्यान रखोगे, अगर हम देखें मिस्र है सारा का सारा, है ना, ये मिस्र वाला इलाका पड़ता है, तो मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये वाला सिनाई प्रायद्वीप हिस्सा है, और ये बाकी मिस्र है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपसे पेपर में आए, मिस्र का मेन बंदरगाह यहाँ है अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, चलिए भाई ये हो जाती है हमारी डन। फर्डी ने एक नाम था, मतलब जिन्होंने इसको पूरा बनवाया था, वो नाम था फर्डिनेंड दी लेप्स, ये नाम आप याद रख सकते हो तो रख लेना। कौन सा देश स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, जापान, इंडिया, फ्रांस, या फिर ब्राजील। क्या बोला भाई उसने, बोला कि कौन सा देश है जो यूक्रेनियन पीपल पर, ध्यान रखोगे, एक स्टैंडिंग विद यूक्रेनियन पीपल एक करके समारोह करेगा, क्योंकि यूक्रेन के लोगों को भगाया गया है, मारा गया है, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है भाई उनको, है ना, तो उसको ये हेल्प करेगा कौन सा देश, जरा बताओ, जापान, इंडिया, फ्रांस, ब्राजील, कौन सा वो देश है, कहां के हैं, है ना। बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फ्रांस वाले सब बच्चे ठीक है, फ्रांस इज राइट आंसर, सब बच्चों ने ठीक आंसर दिया यहाँ पे, फ्रांस सभी बच्चों का ठीक है।
मैक्रोन वहां के राष्ट्रपति हैं, एलिजाबेथ बॉर्न वहां की कौन हो जाती है प्रधानमंत्री, और यूरो वहां की करेंसी है, ये भी चीज आप ध्यान रखना ठीक है। यूक्रेनियन पीपल, और पता है ये बात की घोषणा कहां करिए, भारत में। कैसे? अब ये भारत में कैसे की, जब आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में ना उनका दूतावास मिलेगा, किसका, फ्रांस का दूतावास, तो वहां है ठीक है, वहां फ्रांस का भी है, ब्रिटेन का भी है, सबकी बिल्डिंग अलग अलग तरीके से बनी हुई है दिल्ली के अंदर ठीक है। तो उनके दूतावास में, जो दिल्ली में है फ्रांस का दूतावास, वहां पर इस बात की घोषणा करी गई कि हम दुनिया भर में है ना, दुनिया भर के लोगों को ऐसे एक बोलते ना कि उनकी मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोलते हैं भाई, उनका समर्थन जुटाने के लिए, दुनिया भर के लोगों का समर्थन जुटाने के लिए हम एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें ध्यान रखोगे हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति भी रहेंगे है ना, मैक्रोन भी रहेंगे, और मैक्रोन के साथ में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन रहेंगे है ना, व्लादिमीर जेलेंस्की, तो जेलेंस्की भी रहेंगे इसमें साथ में, लेकिन जेलेंस्की सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही रहेंगे साथ में, ये चीज आप ध्यान रखना ठीक है, क्लियर हो जाएगा, वो आएंगे नहीं, वो बस वर्चुअल माध्यम से ही रहेंगे इसमें, क्लियर है यहां तक। तो ऐसे इन्होंने घोषणा करी है कि हाँ भाई उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, हम एक समर्थन लेंगे पूरी दुनिया का कि हाँ कि कम से कम कुछ देखो भाई, इन लोगों को कुछ आगे आगे बढ़ाओ, ये लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खेल यूथांग कब से जुड़ा हुआ है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, लॉन टेनिस है या फिर घुड़दौड़ है या फिर टेबल टेनिस है या फिर आपको लगता है हॉकी। बोला कि यूथांग कब, ठीक है जरा बताओ यूथांग कब किससे जुड़ा हुआ है, कौन बताएगा इसमें से है ना, बताइए। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये तो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ये तो आपको पता है ना, ईरानी ट्रॉफी हो गई, रणजी ट्रॉफी हो गई, ये तो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं भाई, ये चीज आप ध्यान रखोगे क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। तो इसमें से क्या लगाओगे, लॉन टेनिस या फिर टेबल टेनिस, तो आप बोलोगे लॉन टेनिस इज राइट आंसर ए, ठीक है। यू थॉट कब किससे जुड़ा हुआ है, ये इसी से जुड़ा हुआ है, लॉन टेनिस से, खत्म बात यहां तक है ना, ये चीज आप ध्यान रख। वॉकर कप किससे जुड़ा हुआ है, गोल्फ से जुड़ा हुआ है, वॉकर कप किससे जुड़ा हुआ है, ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आपको याद रखने पड़ेंगे, एक तो एक दो, ईरानी, रणजी, क्रिकेट, यू थॉट कप किससे, लॉन टेनिस से, वॉकर कप है ना, ये ध्यान रखोगे गोल्फ से हो जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, जरा बताओ भाई कौन सी एक हिल है जो आंध्र प्रदेश में लगेगी, ठीक है जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, क्या होगा एक राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड रॉबिन, बहुत बढ़िया। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी, पालकोंडा, नीलगिरी या फिर महाबलेश्वर पहाड़ी, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में कोई एक हिल है इनमें से, क्या लगता है, गलत हो जाएगा आंचल देवी, गलत हो जाएगा मैडम ठीक है। और तिवारी जी, बहुत अच्छा आंसर है आपका, वेरी गुड, इसकी क्लासेस पड़ी हुई है इसी चैनल पे ज्योग्राफी की, एक साल पुरानी, उसमें सारी एक एक चीज हो रखी है, बट देखनी तो है नहीं है ना, तो फिर तो दिक्कत होगी ना, एक बार पढ़ लो फिर उसको क्वेश्चंस लगाते रहो, ऐसे ही तो होता है कि एक बार थ्योरी पढ़ ली फिर क्वेश्चंस लगाओ, कितने ही क्वेश्चन बनाओ उसके अंदर से। अन्नामलाई की पहाड़ियां भाई, ये कहां, ये तो केरल प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेंगी आपको है ना भाई, इन दोनों के बॉर्डर पर मिलेगी। नीलगिरी की पहाड़ियां, ये तो केरल प्लस कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेंगे भाई है ना, तो ये तो यहां हो गई। फिर महाबलेश्वर, ये तो महाराष्ट्र के अंदर है ना, महाराष्ट्र के अंदर है। बची कौन सा, पालकोंडा, वैलीकोंडा है ना, ये बची, ये चीज आप ध्यान रखोगे पालकोंडा वैलीकोंडा, ये कहां है, ये चीज आप ध्यान रखोगे पालकोंडा वैलीकोंडा, ये सब पहाड़ियां कहां पड़ेंगी, आंध्र प्रदेश में पड़ेंगी। तो आप क्या लगाओगे यहां पर, पालकोंडा वैलीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर है। फिर आप बोलोगे नगारी की पहाड़ी कहां है, जवादी कहां है, शेवरॉय कहां है ना, ये कहां है, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में पड़ेंगी आपको, कौन कौन सी, नगारी, जवादी, शेवरॉय, तमिलनाडु के अंदर है। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, पंचमलाई, सिरुमलाई तमिलनाडु के अंदर है। ओके, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये कहां है, तमिलनाडु के अंदर है, ये तमिलनाडु के अंदर। ओके, क्लियर हो जाएगा, चलेंगे भाई।
नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या लगाते हो भाई? निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरीके से बंद हो गया? अब जरा सोच के बताओ भाई, कब हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था सविनय अवज्ञा? हम तो पढ़ते हैं कि शुरू कब से हुआ है, आज तुम्हें बताना है कि ये पूरी तरीके से खत्म कब हुआ था। अगर तुम अंदाजा सेट कर पाओगे तो कर पाओ, अच्छे से दे सकते हो, मेरा विचार ये है। जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, गलत नहीं करना। कौन बच्चा लगाएगा? बहुत अच्छा सोनू कुमार, वेरी गुड। दिनेश बहुत अच्छा, चेतन ठीक है, बहुत अच्छा श्रीराम, वेरी गुड। और 1930 वाला कौन था ये? 30 में तो 30 वाला गलत हो जाएगा। ओके उल्टा पढ़ लिया उसने, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। सब बच्चों का ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो क्या हुआ, देखो ऐसा था, होता ही नहीं है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्यों हुआ? होने की कई सारे कारण थे। गांधी जी को चिढ़ हो गई थी, कैसे? बात यह है, बात है जनवरी की, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कब की? जनवरी 1930 की। अपनी 11 मांग रखी थी किसके सामने? इरविन के सामने। किसने? गांधी जी ने, है ना, गांधी जी ने। अब ये रख तो दी 11 मांग, अब जू भी ना रहेंगी इरविन के कान पे, है ना। उन 11 मांगों में क्या चीज थी? जैसे कि जैसे उन्होंने बोला कि भाई सिविल सेवा पर और सेना पर 50% कम खर्च करो, समझ गए, 50% कम, और जो जेल में भरे हुए हैं हमारे लोग उनको बाहर निकालो। तो ऐसे कर करके 11 मांग ऐड थी। इरविन बोला भाड़ में जाओ, मुझे कुछ पता ही नहीं है भैया, ठीक है, उसने कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब उसके बाद फरवरी 1930 में गांधी जी बोले अब तो मैं आंदोलन चलाऊंगा भाई, अब नहीं मानने वाला मैं। तो गांधी जी ने 12 मार्च से शुरू कर दिया 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और ये कैसे किया था? दांडी मार्च शुरू करके। ओके ये चीज आप ध्यान रखोगे, दांडी मार्च शुरू करके उन्होंने स्टार्ट किया था और चल पड़े, है ना, साबरमती आश्रम से चालू कर दिया, साबरमती आश्रम, ठीक है, अहमदाबाद, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और यहां से कहां चलना शुरू कर दिया इन्होंने? नवसारी जिले की तरफ, नवसारी जिले में ही तो पड़ता है दांडी, तो वहां चलना इन्होंने शुरू कर दिया, है ना। 240 मील चले, कितने लोग थे? 78 लोग थे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। और सुबह 6:30 बजे नमक हाथ में लेकर इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। कब पहुंच गए थे ये? पहुंच तो ये 5 अप्रैल को ही गए वहां पे, ठीक है, लेकिन 6 अप्रैल को इन्होंने नमक हाथ में लिया था और कानून तोड़ा, बोला ये लो जी अब हम खुद नमक बना लेंगे समुद्र किनारे, ठीक है, क्योंकि ये भी तो मांग थी कि भारतीय समुद्र किनारे नमक बनाएंगे या ना बनाएंगे, तो अंग्रेज बनाने नहीं देते थे, है ना, क्लियर हो जाएगा इतनी चीज यहां तक। अब ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई, ये आंदोलन। उसके बाद आपको पता है इस आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता भी हुआ था 1931 में, तो काफी हद तक बात सुधरने लगी थी, लेकिन फिर बिगड़ने लगी थी। अब 1932 जनवरी आई, कौन सी आई? जनवरी 1932। गांधी जी को लगा दोबारे से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करना चाहिए, तो गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया। लेकिन इस बार गांधी जी को सपोर्ट नहीं आया, कोई सपोर्ट नहीं आया, कोई समर्थन नहीं आया उनको, ये चीज आप ध्यान रखोगे, बहुत कम समर्थन आया। तो फिर गांधी जी ने ये 1933 14 जुलाई को बोले कि ठीक है मैं इसको बंद कर दूंगा, पूरी तरीके से मैं बंद कर दूंगा, बंद करने की बात कही थी इन्होंने, लेकिन ये बात बिल्कुल एंड वापस जो करी थी वो 7 अप्रैल 1934 को पूरी तरीके से बंद कर दिया। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 1934 को परमानेंटली क्लोज्ड ये हो गया था पूरा का पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। लेकिन जो पहला वाला था ना, जो 1930 में चला था, पूरे देश में बहुत वायरल हुआ था वो, ये चीज आप ध्यान रखोगे, बहुत चला था पूरे देश के अंदर, अलग अलग एरियाओं में सबने दांडी मार्च किए थे अपने अपने यहाँ, मतलब सबने मार्च किए थे एक तरीके से, बड़े बड़े मार्च, उनको ये कहते थे हम भी दांडी मार्च कर रहे हैं भाई, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए इतनी चीजें आप याद रखोगे। नेक्स्ट बोलते कीट के कितने पैर होते हैं भाई, जरा बताओ कीट के कितने पैर होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6, कौन बच्चा लगाएगा? गलत नहीं करोगे, 2 इसमें से दीजिए, कौन बच्चा लगाएगा दीजिए इसमें से एक राइट आंसर, गलत नहीं करोगे, एक राइट आंसर दीजिए, एक 6, 4,
हाँ, 6 4 6 बार। देखो ध्यान से सुनो, कभी आपसे पूछे ना कि कीट के कितने पैर होते हैं, तो आप बोलोगे 6 पैर होते हैं। ठीक है, कीट के जिसको इंसेक्ट्स बोलते हैं ना, ध्यान रखो कि क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसके कितने होते हैं? 6 होते हैं। चींटी देखते हो ना, कीटों में ही आती है। टिड्डा देखते हो, टिड्डा वो भी कीटों में ही आता है। कितने होते हैं इनके? 6 पैर होते हैं भाई, है ना। कौन से ग्रुप के होते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप के होते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप के होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ऑर्थोपोडा ग्रुप के होते हैं। समझ गए? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की? इन्होंने क्या बोला भाई? इन्होंने बोला कि भाई अब एक काम करते हैं, अपने यहां पर, यानी कि लंपी त्वचा रोग, ध्यान रखोगे एक रोग है जिसमें बॉडी में गांठ पड़ जाती है ना, ध्यान रखोगे, गांठ जानवरों की बॉडी में, ओके, जानवरों की बॉडी में क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है, लंपी त्वचा रोग उसको बोला जा रहा है। अब पहले तो पैसे के साथ हो रहा था टीकाकरण उस राज्य में, लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो फ्री में ही करेंगे। ठीक है, अब जरा बताओ कौन है वो? तमिलनाडु है, तेलंगाना है, या फिर उड़ीसा, या फिर राजस्थान है? तो उड़ीसा स्टेट है, ये चीज ध्यान रखोगे। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, ये चीज आप ध्यान रखना। उन्होंने ही बोला है कि हम अब इनको फ्री में लगाएंगे ये, ठीक है, फ्री में टीकाकरण, इनको फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखोगे। उड़ीसा, उड़ीसा ध्यान रखना, मंदिरों की धरती कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मंदिरों की धरती, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, मंदिरों की धरती, ओके। अगर आपसे पूछने लगे यहां पर क्या भाई, यहां पर किसका, जैसे उड़ीसा में भूमिज लोग रहते हैं, भुईया लोग रहते हैं, मैं क्यों बोलता हूं इनको भूमिज, भुईया क्यों बोलता हूं? ताकि तुम्हारे याद रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, बार बार इनको बोलने का मतलब है कि ये तुम्हारे याद बने रहे, दिमाग में बने रहे, समझ गए। यहां पर तकरीबन 1,55,000 के आसपास का एरिया मिलता है, 1,55,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया मिलता है, और यहां पर जनसंख्या 4 करोड़ से भी ज्यादा है। यहां पे एक याद रखोगे, यहां पर कौन थे? कृष्ण चंद्र गजपति, ठीक है, कृष्ण चंद्र गजपति यहाँ के पहले सीएम थे, 1937 में बने थे, ओके। कृष्ण चंद्र गजपति कौन थे? यहां पर पहले सीएम। नेक्स्ट बोलता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरीके के न्याय का वर्णन नहीं किया गया है? किसी एक तरीके के न्याय का वर्णन नहीं है, ठीक है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, क्या लगाओगे एक राइट आंसर? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस तरीके के न्याय का वर्णन नहीं किया गया? हमारे यहाँ किस तरीके का नहीं मिलता? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, या फिर राजनीतिक, जरा बताओ इसमें से। ठीक है, बहुत बढ़िया है, कुछ लिखा बुरंश पुष्प, यस बुरंश पुष्प है, बुरंश तो पेड़ है, बहुत अच्छा लिखा तुमने। ठीक है, देखो बुरंश जो है वहां का वो तो पेड़ है, ओके, और बुरांश क्या है? बुरांश है वहां का पुष्प, स्टेट फ्लावर, ऐसे ही तो याद रखना है जैसे उस बच्चे ने याद कर लिया, ऐसे ही याद करो। तो जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर? सांबर वहां का जानवर है, उड़ीसा का, है ना, सांबर क्या है? जानवर है। हिमालयी मैनाल पक्षी है, ओके, हिमालयी मैनाल वो क्या है? पक्षी है। आम बात हो जाएगी जब एक्सप्लेनेशन ढंग का पढ़ोगे तो। बुक्स में आप क्या पढ़ते हो? बुक्स में आप एक्सप्लेनेशन ही तो पढ़ रहे होते हो, है ना। तो अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को, एक तो तुम्हें क्वेश्चन का क्वेश्चन मिल जाएगा, ऑप्शन के ऑप्शन समझ में आ जाएंगे, ऊपर से एक्सप्लेनेशन को पढ़ लोगे, फिर जैसे पेपर जा रहे हैं ना लास्ट वाले बच्चों के, वैसे तुम्हारे भी जा सकते हैं, है ना। चलिए, लोकतांत्रिक होता है, या फिर सामाजिक होता है, या फिर आर्थिक होता है, या फिर राजनीतिक, तो कभी भी डेमोक्रेटिक न्याय की बात तो बोली नहीं गई, ठीक है, हमारे संविधान के अंदर। याद रखोगे, प्रस्तावना में अगर आपसे पूछे, कभी भी हमारे प्रस्तावना में लोकतंत्र की नहीं है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीनों तरीके की न्याय की बात बोली गई है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, जरा बताओ, क्या हमने अमेरिका से ली है प्रस्तावना की भाषा, या हमने क्या ऑस्ट्रेलिया से ली है? किससे ली है, कौन बच्चा बताएगा इसे? ठीक है, जरा बताओ कि हमने प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है ना। क्लियर हो जाता है, समझ गए। प्रस्तावना में हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात बोली है, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये हमने तीनों वर्ड कहां से लिए? ये फ्रांस की क्रांति से लिए अपनी प्रस्तावना में,
फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के बीच हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, इतनी चीज क्लियर है। तो कब ऑस्ट्रेलिया एक रहे यूएस, गलत ना करो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ओके, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से ली, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इतना तुम इतने होशियार हो, कैसे गलत काम कर देते हो। नेक्स्ट, घरेलू का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना, क्या बोला भाई, किसका है घरेलू का रासायनिक वैज्ञानिक नाम, किस घरेलू का, कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, गाय का, जरा बता रहे इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, कौन बच्चा देगा, कैट नहीं है, अच्छा दिनेश, ओके हो सकता है, ठीक है, और दीजिए वर्दी, बहुत अच्छा आंसर है, और दीजिए इसमें से कौन बच्चा लगाएगा, गलत नहीं करेगा बहुत बढ़िया, और दीजिए इसमें से कौन बच्चा लगा सकता है एक राइट आंसर, कई सारे बच्चों का ठीक है जो कुत्ता बोले, ओके बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक है बहुत बढ़िया, कैट इज द राइट आंसर, क्या दिमाग में लगा के बैठे थे कि ऐसा कुछ आएगा, एक तो कह रहा कैट, देखो सब बच्चों ने जो कैट दिया वो सारे प्रिय है, उनके जैसा कोई बच्चा नहीं है धरती पे, ठीक है देखो भैंस को बोलते हैं बुमलस बुमलिस, याद रखोगे बुमलस बुमलिस बोलते हैं, ये तो हमें पता है कि बुमलस बुमलिस बोलते हैं, है ना, फैमिलो इसको बोलते हैं, फैमिलो इसको बोलते हैं फैमिलो सिल्वो सिट्रिस, सिल्वो सिट्रिस, ये चीज आप ध्यान रखना, इसको ये बोलते हैं बिल्ली को, जो कुत्ता है कुत्ता उसको बोलते हैं कैनिस क्यूपस, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कैनिस क्यूपस, आगे का याद रखने की जरूरत नहीं है, फैमिलियरस वो है ही, फैमिलियरस पालतू है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद रखो कैनिस ल्यूपस, ओके, ये कुत्ते के लिए यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए, कुत्ता इज द राइट आंसर, बिल्ली फैमिलो सिल्वोसिट्रस हो जाता है, भैंस बुमलस बुमलिस हो जाती है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है नेक्स्ट, कहता है किस देश की राजधानी में वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया गया है, मतलब भाई वहां पर जितने भी सोलर पैनल लगेंगे 2025 के बाद, मतलब लगाने ही पड़ेंगे अगर घर बनेंगे तो, कंपलसरी कर दिया है, कहा कि जरा बताओ इसने क्या बोला, कि किस देश की राजधानी में वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल अनिवार्य कर दिया, वो जापान, ये चीज आप ध्यान रखोगे, जापान के टोक्यो में, तो वहां पर टोक्यो के अंदर विधानसभा है एक, ध्यान रखना, तो उस विधानसभा में ये रूल लाया गया और बोला आपके भाई, वैसे ही हम दुनिया में पांचवें नंबर पर कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, कौन, जापान वाले, ध्यान रखोगे, कार्बन का उत्सर्जन करते हैं दुनिया में पांचवें नंबर पे, कार्बन का उत्सर्जन करने में, प्रदूषण फैलाने में पांचवें नंबर पर है, ठीक है, कार्बन बहुत दबा के करते हैं, और इन्होंने वैसे भी बोला है कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बना देंगे अपने देश को, क्या बना देंगे, कार्बन न्यूट्रल कंट्री बना देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे यहां से, है ना, और इंडिया ने बोला है कि हम 2070 तक, ध्यान रखोगे, अपने देश को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाएंगे, तो इनका उसी दिशा में थोड़ा सा ये एक कदम है कि हाँ भाई हम सोलर पैनल को ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, और जब 2025 के बाद जापान के टोक्यो में घर बनने लगेंगे तो सब पे वो कंपलसरी रहेगा, सब घरों पे वो लगेगा, ऐसा भी इन्होंने बोल दिया, ठीक है, तो कार्बन न्यूट्रल बनाना है, तो इसीलिए उसी दिशा में ये थोड़े थोड़े प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि हम 2030 तक, है ना, हम आधा 50% कार्बन उत्सर्जन कम करना शुरू कर देंगे 2030 तक, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कार्बन उत्सर्जन करना 50% तक कम कर देंगे 2030 तक, ऐसा इन्होंने बोला है ना, हमारे देश में भी आपको पता है ना, हमारे देश में भी 31 मार्च 2026 तक, अब अगर आप सोलर पैनल अपने घर पे लगवाना चाहते हो तो सरकार उसमें अब सब्सिडी कब तक देगी, हमारे देश में 31 मार्च 2026 तक देगी, ये चीज आप ध्यान रखना, मोदी गवर्नमेंट। बोलता है 28वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किसने किया, जरा बताइए इसमें से क्या बोलता है, वो बोलता है कि 28वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किसने किया, 22
आपको पता है 22 दिसंबर तक चलेगा, है ना, 22 दिसंबर तक क्या होगा, ये चलेगा, ये चीज आप ध्यान रखो। और ये किसने, शाहरुख खान भाई वहां मौजूद तो थे, है ना, शाहरुख खान भी आए, आलिया भट्ट भी आई, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, महेश भट्ट भी आए, है ना, महेश भट्ट भी आए, है ना, रानी मुखर्जी भी आई, रानी मुखर्जी भी आई इसमें, तो सब आए, बहुत सारे लोग आए, है ना। तो जरा बताइए इसमें से किसने किया, कौन लगाएगा इसमें से। बहुत अच्छा, बिग बी अमिताभ बच्चन, कई सारे बच्चों का ठीक है, जो बच्चों ने दिया वेरी गुड, अमिताभ बच्चन इज द राइट आंसर, कई सारे बच्चों ने यहां तक ठीक दिया, अमिताभ बच्चन ने ही किया, ये चीज आप ध्यान रख लो, ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखोगे। यहां तक कभी भी आपसे पूछे कि आज ही 22 दिसंबर तक चलेगा, अमिताभ बच्चन ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया, उसको ध्यान रखोगे। और ध्यान रख लेना कि ये 15 दिसंबर से शुरू हुआ था, बस 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, ओके, 1995 में इसकी शुरुआत हुई, 15 दिसंबर से शुरू हुआ। नेक्स्ट आता है विश्व पर्यटन संगठन। अच्छा, अगर आपसे कहने लगे, देखो इधर, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये तो WTO बन गया, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन गया, है ना, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो ना इससे, तो जरा सोच के बताओ, है ना, इसमें से विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो क्या जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, मैड्रिड स्पेन के अंदर, न्यूयॉर्क USA, या फिर लंदन UK, कहां पर लगता है, जरा बताइए इसमें से। बहुत अच्छा UPSC, वेरी गुड, और दो इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, एक मैड्रिड स्पेन इज द राइट आंसर, भाई वाह बहुत बढ़िया, मैड्रिड स्पेन इज द राइट आंसर, सब बच्चों का ठीक है, मैड्रिड स्पेन इज द राइट आंसर, ठीक। कब, 1946 में स्थापना हुई थी, मैड्रिड स्पेन के अंदर है, लेकिन इसको पता कैसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तो इसको ऐसे बोल देते हैं, ओके, यूनाइटेड नेशन WTO बोल देते हैं, मैड्रिड स्पेन के अंदर है, 1946 में इसकी स्थापना होती है। कह ले यार, नेक्स्ट भैया बोलता है इसमें से, ट्रैकोमा रोग निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, ट्रैकोमा, नाक, कान, दांत, या फिर नेत्र, जिसको आपने कभी ये देखा है, जैसे आंख में आप आंख नहीं धोते हो सुबह उठ के ठंडे पानी के छपा के उस पर नहीं लगाते हो, तो साफ नहीं धुलती आंख, और जब आंख साफ नहीं धुलेगी तो उसमें धीरे धीरे गंदगी रह ही जाएगी, फिर पूरे दिन पानी आएगा, उसको रगड़ते रहोगे, ये करोगे वो करोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, है ना, तो सुबह उठ के मुंह धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट, भले ही आंख ही धो, उंगली डुबोई ली और बस आंख आंख धोली खत्म, ठीक है, इतने में तो बहुत सेट है मामला। तो ये किससे, आई से रिलेटेड होती है, ट्रोकोमा रोग किससे संबंधित होता है, आंख से संबंधित होता है। और एक और चीज, इससे ये जो ट्रोकोमा होता है, आंख के पलक होते हैं ना अंदर, जैसे किसी किसी के पलक तो बहुत साफ होते हैं, है ना, और यहां पलकों के पलक जहां से स्टार्ट हो रहे होते हैं वहां पे पपड़ी जम जाती है, पपड़ी जम जाती है बहुत ही बेकार बेकार सी, फिर आप किसी की भी आंखों को ढंग में देखोगे ना तो उसको गंदगी आंखों पे लगेगी, तो वो ट्रोकोमा रोग ही होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लव खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम बताओ, ठीक है, जरा बताइए इसमें से, गोल्डन ग्लव, ठीक है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, एक राइट आंसर, मेसी है, एम्बापे है, रोनाल्डो है, या फिर मार्टिनेज है, क्या लगेगा आपने, एक राइट आंसर, गोल्डन ग्लव। गोल्डन ग्लव किसको दिया जाता है, फिर हम देखेंगे गोल्डन बूट किसको मिला, गोल्डन बूट किसको मिला, फिर हम देखेंगे गोल्डन ग्लव्स हो गया, बूट हो गया, है ना, और कौन सा था, एक और भी था, गोल्डन ग्लव हो गया, बूट हो गया, अरे दिमाग में, चलो तुम मेरे को बताओ, इतने में आंसर करूंगा, ठीक है, मेसी इज राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, ये चीज आप ध्यान रखो, एमिलियानो, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो गया इतनी चीज। तो इनको गोल्डन ग्लव मिला, हमेशा गोल्डन ग्लव जो गोलकीपर होता है उसको मिलता है, ठीक है, गोलकीपर होता है ना उसे मिलता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। अच्छा, तो ये गोलकीपिंग किसकी तरफ से कर रहे थे, अर्जेंटीना की तरफ से कर रहे थे, है ना, और इनका बहुत बड़ा योगदान था जब पेनल्टी शूट आउट में इन्होंने गोल बचाए थे, तब अर्जेंटीना जीती थी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है,
पेनल्टी, ठीक है, शूट आउट, ये चीज आप ध्यान रखना, पेनल्टी शूट आउट में ही तो जीती है अर्जेंटीना 4-2 से फ्रांस से, है ना, 4-2 से फ्रांस से, तो इन्होंने कई गोल बचाए थे, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, है ना, क्लियर हो जाती है। अब देखो यहां तक तो हमारी समझ में आ गई, हमसे पूछे गोल्डन बॉल किसको मिला, हाँ गोल्डन बॉल था वो, ओके गोल्डन बॉल है ये, किसको मिला गोल्डन बॉल, मिला इसमें से मेसी को, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाता है। ये फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है, फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, है ना, फीफा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गोल्डन बॉल इनको मिला, 2014 में भी इनको मिला था और 2022 में भी इनको मिला, तो ऐसे ये पहले खिलाड़ी बन गए जिनको ये दो बार मिल चुका है, पहले खिलाड़ी बन गए, है ना, ये किसके है, कैप्टन भी है, कप्तान भी है, किसके, अर्जेंटीना के, ये चीज आप ध्यान रखोगे, कप्तान अर्जेंटीना के, तो आप ये याद रखना, क्लियर है। मेसी, मेसी आपको पता है इस बार ये भी बोल रहे थे कि मैं संन्यास ले लूंगा, मतलब जीतने के बाद, तो फिर अब ले लेंगे, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, क्लियर यहां तक, गोल्डन बॉल ओके। पता है मेसी ने वर्ल्ड कप में, फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड भी इनके नाम हो गया, कितने मैच खेल लिए इन्होंने, 26 मैच, ओके ये चीज ध्यान रखोगे। किसको हराया, लोथर, लोथर ने 25 मैच खेले हैं, ठीक है 25 मैच, ये चीज आप ध्यान रखना, लोथर ने 25 मैच खेले हुए हैं और इन्होंने इतना, लोथर जो है वो जर्मनी से आते हैं, ओके वो कहां से आते हैं, जर्मनी से आते हैं लोथर, उन्होंने 25 फीफा के वर्ल्ड कप मैच खेले हुए हैं, इन्होंने वर्ल्ड कप में 26 खेल लिए, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम हो गया, ठीक है। गोल्डन बॉल भी ये ले गए, 2014 में ले गए, 2022 में भी ले गए, दो बार ले गए। अच्छा अब आप बोलोगे सर गोल्डन बूट किसको मिला फिर, है ना, गोल्डन बूट किसको मिला, तो गोल्डन बूट मिला इनको, याद रखोगे एम्बापे को, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग, ठीक है क्लियर हो जाएगा, इतनी चीज एम्बापे को मिल गया, ये चीज आप ध्यान रखना, एम्बापे को मिल गया, ठीक है भाई एम्बापे को ले गए। अब ये एम्बापे कहां से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, इन्हें गोल्डन बूट क्यों मिला, जो सबसे ज्यादा गोल करता है पूरे फीफा में, सबसे ज्यादा गोल करता है पूरे फीफा में उसे मिलता है ये, ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो इन्होंने कितने किए थे, 8 गोल किए थे, है ना, 8 गोल किए थे, तो ये ले गए, है ना भाई, 3 तो इन्होंने फाइनल में ही कर दिए थे, फाइनल में 3 कर दिए थे, वैसे इनके शुरू में सारे मैचों में 5 थे और फाइनल में 3 ठोक दिए तो 8 हो गए। ऐसा करने वाले इन्होंने एक रोनाल्डो की बराबरी करी, रोनाल्डो की बराबरी, ये जो रोनाल्डो है एक ब्राजील टीम के थे, अब तुम ये वाले मत समझने लगना जो आजकल के रोनाल्डो हैं, जो पुर्तगाल के हैं, वो वाले नहीं है, एक रोनाल्डो पहले भी खेलते थे ब्राजील से, तो वो 2002 में 8 ही गोल करे थे उन्होंने, तो उनके रिकॉर्ड की बराबरी कर ली इन्होंने, ठीक है। एक रोनाल्डो ब्राजील से भी खेलते थे तो 2002 में उन्होंने 8 गोल किए थे, 1990 और 2002 में उनका बहुत नाम चलता था। तो अब एक रोनाल्डो है जो पुर्तगाल से खेलते हैं, वो तो बेचारे बाहर ही हो गए हार मुर के इस बार, ठीक है क्लियर, यहां तक समझ गए। चलो नेक्स्ट आता है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, जरा बताओ भाई कौन थे गौतम बुद्ध के समकालीन इनमें से, है ना, क्या लगाओगे एक राइट आंसर, बोलता है इनमें से कौन थे, तो नागार्जुन थे, कनिष्क थे, कौटिल्य थे या फिर महावीर थे, क्या लगाओगे इसमें से, बोला इसने हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी ठीक है बहुत बढ़िया, और दीजिए इसमें से क्या लगाओगे, कनिष्क इज द राइट आंसर, ओके ए, मेरे को पता था तुम कनिष्क बोलने वाले हो, और इज द राइट आंसर, अरे भैया देखो इधर, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे, उनके टाइम पर कौन थे, गौतम बुद्ध के टाइम पर क्या नागार्जुन थे, क्या कनिष्क थे, ना फिर आप कनिष्क क्यों लगा रहे थे, क्या कौटिल्य थे, महावीर जैन थे जो 24वें तीर्थ का थे जैन धर्म के, अब आप बोलो अच्छा ये दोनों 7 टाइम के थे तो याद रखोगे गौतम बुद्ध के टाइम के ये चीज, ये दोनों थे, क्लियर हो जाएगा गौतम बुद्ध, ये चीज आप ध्यान रखना, वो 24वें तीर्थ कर जैन धर्म से हो जाते हैं, बुद्ध धर्म से, ठीक है क्लियर है, डी इज द राइट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। आपको पता है गौतम बुद्ध ने घर जो त्यागा था वो 29 साल में त्यागा था और 35 साल में क्या हो गया था, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ओके
ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। इनको कहां पर हुई थी अगर आपसे पूछे, है ना, बोध गया के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखो। बोध गया कहां है, बिहार में है, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना या पुन पुन आप बोल सकते हो उसको, है ना, उस नदी के किनारे पर हुई थी, ये भी चीज आप ध्यान रखो। इन्होंने जो घर त्यागा था वो 30 वर्ष की आयु में घर त्यागा था, और इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में हुई थी, समझ गए। कौन सी नदी के किनारे, ये ध्यान रखोगे। गांव कौन सा था, जम्भिक गांव था, जम्भिक गांव था, ऋजुपालिका नदी थी, है ना, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ऋजुपालिका वो नदी थी, उस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्लियर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। ऐसे ध्यान रखा करो कभी भी इनसे अलग अलग पूछेगा तो, ठीक है, क्लियर है। महात्मा बुद्ध लाइट ऑफ एशिया बोल देते हैं इनको, ये चीज आप ध्यान रखोगे। लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध का मतलब होता है प्रकाशमान, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है भाई, बोलता है भारत में किस निर्जन द्वीप में पक्षी अभयारण्य स्थित है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर। भारत में किस निर्जन द्वीप में पक्षी अभयारण्य है, तो वो बलफ आइलैंड, या फिर आपको लगता है बैरन आइलैंड, या फिर पिट्टी आइलैंड, या फिर बैले आइलैंड, किसमें है, तो आप बोलोगे इसमें से पिट्टी आइलैंड इज राइट आंसर। कौन सा हो जाता है, पिट्टी आइलैंड इज राइट आंसर, है ना। देखो पिट्टी आइलैंड, पिट्टी का मतलब पक्षी होता है तमिल में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, पिट्टी का मतलब क्या होता है, पक्षी। ये किस भाषा में होता है जी, ये जी तमिल भाषा में होता है, तो इसको आप डायरेक्टली पक्षी आइलैंड भी बोल सकते हो। कहां मिलेगा ये, ठीक है, ये मिलेगा आपको लक्षद्वीप में, ओके, कितने पर, लक्षद्वीप में मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। वहां कितने द्वीप है, 36 द्वीप है, कितने एरिया में फैले हुए हैं, 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले हुए हैं, क्लियर है, समझ गए आप लोग। सिर्फ 10 पर ही लोग रहते हैं, यानी कि आबाद कितने हैं, 10 है, आबाद यहां पर 10 है ओनली, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 36 द्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में लक्षद्वीप, 10 पर ही लोग रहते हैं, ठीक है, और पिट्टी आइलैंड वही है, और वही क्या है, पक्षी अभयारण्य है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। जिसको पिट्टी, पिट्टी को क्या बोल देते हैं, पक्षी भी बोल देते हैं डायरेक्ट, ये चीज आप ध्यान रखोगे तमिल लैंग्वेज में। और ये अरब सागर की तरफ पड़ता है क्या, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप, ये चीज आप ध्यान रखना, किधर, इधर 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 अरब सागर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये सब अरब सागर ही तो है, इधर उधर बंगाल की खाड़ी है, ये दोनों किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का नीचे, इंडियन ओशियन का पार्ट है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं, बोलता है, कहता है, चार रक्त समूह ए, ए बी, बी और ओ में से कौन से समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। क्या बोला उसने, उसने बोला कि कौन है जो सार्वभौमिक दाता है, यानी कि क्या बोला, यूनिवर्सल डोनर, देने वाला, सबको दे सकता है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओ ए बी या फिर ए बी, तो वो है ओ नेगेटिव, ये चीज आप ध्यान रखोगे। ओ नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, सार्वभौमिक दाता होता है। अब इसमें ओ नेगेटिव तो दिया नहीं है, डायरेक्टली ओ दिया है, तो आप ओ को बता सकते हो डायरेक्टली इसमें से, ठीक है। चलिए इतनी चीज आप ध्यान रखोगे, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या लगाओगे। बोलता है पुस्ताद शीतोष्ण घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, पुस्ताद ये वाले जो घास के मैदान है भाई, बहुत दुनिया में बहुत सारे घास के मैदान मिलते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पर देखोगे, यहां पर इस बीच में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, है ना, कनाडा और अमेरिका, और ध्यान रखोगे मेक्सिको की तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहां पर प्रेयरी घास के मैदान देखने को मिलेंगे। ऐसे ही साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहां पर आपको नीचे अर्जेंटीना की साइड में है क्या, पंपास घास के मैदान देखने को मिलेंगे, है ना, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। आप बोलोगे वेल्ड घास के मैदान, ये आप अफ्रीका महाद्वीप देखोगे ना, ठीक है, कौन सा महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप में यहां पर आपको साउथ अफ्रीका के अंदर यहां आपको देखने को मिलेंगे वेल्ड घास के मैदान। आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे, ऑस्ट्रेलिया में आपको इधर की तरफ डाउन्स घास के मैदान मिलेंगे। तो आपसे पूछा है कि हमें पुस्ताद बताओ, तो आप हंगरी बता दोगे, काम खत्म करोगे, हंगरी इज द राइट आंसर, ओके। चल पता है, जैसे हंगरी के अंदर है वैसे ही घास के मैदान यूक्रेन के अंदर भी, और वहां होता है गेहूं ज्यादा, है ना, वहां होता है गेहूं ज्यादा, ये ध्यान रखना। जो यूक्रेन है
वो दो तरीके के घास के मैदान से मिलकर बना हुआ है। एक तो स्टेपीज घास के मैदान जो मिडिल एशिया की तरफ से वहां पर है, मिडिल एशिया में, मध्य एशिया में स्टेपीज घास के मैदान मिलते हैं, तो थोड़े से वो घास के मैदान यूक्रेन तक भी है, और यूक्रेन के अंदर ऑलरेडी ये पुस्ताज का हिस्सा भी चला जाता है घास के मैदान का। तो यूक्रेन बहुत उपजाऊ जगह है, गेहूं दबा के होता है उधर, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। तो हंगरी तो है ही, पुस्ताज आप बता ही सकते हो। तो स्टेपीज घास के मैदान सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। अब देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी? अब जरा बताना किसको दी गई थी, इसमें से क्या लगाओगे एक राइट आंसर, है ना। बोलता है इनमें से किस व्यक्ति को 1722 में आगरा की सूबेदारी दी गई थी, ये लो जी आप आगरा को संभालो, है ना। तो सवाई राजा जय सिंह को दी गई, या फिर लगता है जगत सिंह को, या फिर जहादार शाह को, या फिर शाहजहा। भाई 1722 किसका भाई, ना तो इसका टाइम है ना इसका टाइम है, टक्कर ऊपर एक दो में से हो सकती है, तो आप कौन से को बताओगे, राजा जय सिंह। टाइम से भी आप क्वेश्चन हल कर सकते हो ज्यादातर, तो इसमें से सवाई राजा जय सिंह। अब यह आगरा की सूबेदारी किसने दी होगी, 1722 में कौन था, जरा सोचो कि 1719 से लेकर और 1748 तक रंगीला का शासन नहीं था, है ना भाई, रंगीला बादशाह, ये चीज आप ध्यान रखोगे, मोहम्मद रंगीला, ये मुगलों में से था, तो इसी का तो शासन चल रहा था, तो इसने 1722 में इसको दे दी। अब आप बोलोगे सर जब इसको आगरा की सूबेदारी दे दी तो यहां से हटाया भी तो होगा किसी को, हाँ साउदत खां को हटाया था, किसको हटाया था, सऊदत खां को इसको हटाया था, है ना, और किसके पास भेज दिया, इसको भेज दिया अवध के, भाई तू उधर जा, इसने अवध को आजाद कर लिया वहां जाके, ये बोला अच्छा मुझे अवध भेजेगा तो मैं आजाद को, मतलब अवध को मैं स्वतंत्र कर दूंगा, इंडिपेंडेंट बना दूंगा, तो अवध की स्थापना कर दी थी सऊदत खां ने। क्यों, क्योंकि आगरा के इलाके में जाटों का इलाका था और ये इससे झिल नहीं रहा था सऊदत खां से, तो ये थी सारी बात। फिर किसको लगाया था वहां पे, सवाई राजा जय सिंह को, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाएगा क्या, बोलता है मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है, ये है सरगम कौशल, या फिर प्रियंका रानी जोशी, या फिर शनीक सिंह, या फिर आपको लगता है एलेना रिवेरा, क्या लगाओगे, बहुत अच्छा दिनेश, वेरी गुड, और दीजिए इसमें से कौन बच्चा लगाएगा, एक आध आंसर दीजिए इसमें से, बहुत अच्छा सरगम कौशल इज द राइट आंसर, कई सारे बच्चों का ठीक आंसर बहुत बहुत बढ़िया, और भैया वेरी वेरी गुड, कई सारे बच्चों का ठीक आंसर है जिसने भी दिया यहाँ पे, ओके लास वेगास में जीती है सरगम कौशल, सब बच्चों का इसको ध्यान रखना, पेपर पूछ सकता है जरूर, इससे रिलेटेड चीजें आ जाती हैं। क्या बताओगे आप, सरगम कौशल, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी, सरगम कौशल। 21 साल बाद हमारे देश में वापस से आया खिताब, है ना, 63 देशों ने फाइट करी थी इसके लिए, कितने देशों ने, 63 देशों ने फाइट करी, लास वेगास में ये हुआ। अब लास वेगास कहाँ है जी, लास वेगास आपका कहां पर पड़ता है, और लास मत समझने लगना तुम, ओके, लास वेगास आपका कहां पड़ेगा, ये आपका यूएस में पड़ेगा, वहां पर ये हुआ, ये चीज आप ध्यान रखोगे, सरगम कौशल विनर हो गई, 21 साल बाद हमारे पास आ गया, 63 देशों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, ओके क्लियर, चल नेक्स्ट आ जाओ इसमें से। बोलता है एसएमपीएस का विस्तृत रूप क्या है, जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे, बिजली के क्षेत्र में किया जाता है उसका यूज, है ना, किसमें किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के एरिया में किया जाता है, बिजली के क्षेत्र में उसका यूज किया जाता है, जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर सप्लाई, स्टोरेज मोड पावर स्टोरेज है नहीं शॉर्टेज, ओके चलो दीजिए स्टोरेज मोड पावर शॉर्टेज, क्या लगाओगे इसमें से, SMPS का क्या लगाओगे एक राइट आंसर, ओह वेरी गुड, ए बी रोमन, गलत हो जाएगा तुम्हारा, गलत हो जाएगा, सोच के आंसर करेंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना, जब मैंने यहां बिजली वाला एरिया लिख दिया था तो तुम्हारे लिए और आसान हो जाना चाहिए, हर चीज में ना क्लू होता है, अगर ढूंढोगे तो बेड़ा पार है ना। चलिए कहता है क्या भैया, इधर से तो चमक नहीं रहा है, कहता है गमोचा यानी कि तौलिया के लिए
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला, जरा बताओ, तमिलनाडु, गोवा, असम या फिर तेलंगाना? विच स्टेट एंड यूटी गॉट जीआई टैग फॉर गमोचा टावल, है ना, जरा बताना इसमें से क्या लगाओगे? और तंदूर तूर दाल, है ना, गमोचा, गमोचा कहां पर ज्यादा यूज होता है? पारंपरिक पोशाक है भाई असम की, आप जानते हो, है ना, असम की एक पारंपरिक पोशाक है ये तौलिया गमोचा, तो उसी को जीआई टैग मिला है, ये चीज ध्यान रखना। पीयूष गोयल, ये चीज आप ध्यान रखोगे, उन्होंने इसकी क्या दी, जानकारी दी पीयूष गोयल ने 13 दिसंबर को, है ना, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय इन्हीं के पास है ना पीयूष गोयल के, तो उन्होंने बताया कि भाई असम का जो गमोचा है ना उसको हमने जीआई टैग दे दिया है, अब यही व्यापार कर सकता है इसका पूरी दुनिया के अंदर 10 साल तक के लिए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछने लगे कि तंदूर तूर दाल, है ना, तंदूर तूर दाल, है ना, इसको जीआई टैग कहां से मिला? तेलंगाना, ये चीज आप ध्यान रखोगे, तेलंगाना, है ना, तेलंगाना राज्य की तंदूर तूर दाल, इसको भी जीआई टैग मिल गया। तंदूर तूर दाल जो है ना, तंदूर जो है, ये चीज ध्यान रखोगे, ये वो इलाका है, ठीक है, जहां पर ये दाल मिलती है, ये वो इलाका है जहां पर ये दाल मिलती है तेलंगाना के अंदर। वैसे तो तूर की दाल ही है भाई, एक अरहर की एक प्रजाति है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, अरहर दाल, अरहर दाल की ही एक प्रजाति है तूर दाल, बट ये जो तंदूर तूर दाल है इसके अंदर 24% तक प्रोटीन मिलता है। आपने देखा होगा अनाजों में क्या प्रोटीन है, जैसे कि आप गेहूं करते हो, गेहूं का यूज करते हो, मुश्किल से 8-15% प्रोटीन उसमें मिलता है ना, उसमें वसा फैट भी नहीं होता, बहुत कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है गेहूं के अंदर। लेकिन अगर आप इस वाली दाल को देखोगे तो इसमें 24% तक प्रोटीन होता है, कहते हैं ना दाल खाया करो ठोसा करो, है ना भाई, ये चीज आप ध्यान रखोगे। चलिए, क्लियर हो जाएगा यहां तक, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है अभिज्ञान शकुंतलम, ये जरा बताइए इसमें से क्या लगाओगे? एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, एक नाटक है, है ना, और ये किसका है? कालिदास, ये भी चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, कालिदास का क्या हो जाता है? अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक हो जाता है, ये भी चीज आप ध्यान रख लोगे। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट आते हैं। बोलता है पुलिस और लोक व्यवस्था भारत की संविधान की अनुसूची के तहत राज्य का विषय है, यानी कि देखो आपसे जब भी पूछी अनुसूची, है ना, और आपसे पूछा पुलिस और लोक व्यवस्था किसका विषय है, सीधी सीधी बात है, सूचियों का वर्णन किसमें है, ध्यान रखोगे, अगर आपसे पूछे सूचियों की बात किसमें करी गई है तो सूचियों का वर्णन किसमें मिलेगा आपको, है ना, सातवीं अनुसूची में मिलेगा ना, तो आप बस वहीं जाओगे, और सातवीं अनुसूची में तीन होती हैं, है ना भाई, कौन सी? एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है संवर्ती सूची, है ना। अब ये जो संघ सूची, इस पर सिर्फ सेंट्रली कानून बना सकता है, केंद्र सरकार ही बना सकती है, राज्य पर राज्य बना सकता है, संवर्ती दोनों मिलकर बना सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर? पी इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, आपने याद रखनी है। तो वो कौन सी है, क्या वो पारा है, क्या वो कैडमियम है, कांच है, या फिर ब्रोमाइड है? तो आप क्या बोलोगे? पारा इज द राइट आंसर, ओके, पारा, ये चीज आप ध्यान रखोगे, पारा यहां पर ठीक हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, बोलता है फीफा वर्ल्ड कप 2026 में किस देश में आयोजित होगा? 2026 वाला, देखो पहली बार तीन देशों में होगा एक साथ, पता है दो देशों में एक साथ हुआ था 2002 में, ठीक है, दो देश में 2002 में हुआ था एक साथ, ये बात आप ध्यान रखना। वो कौन है? वो है साउथ कोरिया है, और कौन सा है? साउथ कोरिया के साथ साथ जापान है, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, कनाडा, मेक्सिको या फिर यूएसए, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। अब पहली बार ये तीन देशों में होगा, पहली बार तीन देशों में, और वैसे ये दो देश में, ये चीज आप ध्यान रखोगे, एसके, ये चीज आप ध्यान रखोगे, साउथ कोरिया, और ये हो जाता है। कहता है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय में नहीं गुजरती है, इसको मुझे तुम होमवर्क के तौर पर बता दोगे, ठीक है, घर से, ये तुम्हारा घर के लिए हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, जो भी आपकी बात है, ठीक है, अपना कमेंट बॉक्स में रख देना, बता देना, पढ़ते रहो, ठीक है, चलो कोई जो भी तुम्हारी बात हो अपनी बता देना, टाइम से जुड़ जाना। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके, बाय, टाटा, थैंक यू।